वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल SS20 क्रिकेट में। हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले ODI सीरीज के बारे में, और हम इस वीडियो में बताएंगे क्या रहेगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। अभी चल रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज में भारत 2-0 से बढ़त बनाई हुई है। दोस्तों, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की शुरुआत 17 मार्च से शुरू होनी है। दोस्तों, वनडे में तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट और रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है। उनादकट ने भारत के लिए पिछला वनडे नवंबर 2013 में वेस्टइंडीज के लिए खेला था। वहीं रविंद्र जडेजा ने पिछला वनडे जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। दोस्तों, अभी चल रहे टेस्ट सीरीज में रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन बेहद ही अच्छा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार रहेगा। रोहित शर्मा जो की कप्तानी करेंगे, हार्दिक पांड्या उपकप्तान रहेंगे, सुमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, KL राहुल, ईशान किशन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, सरदुल ठाकुर, अक्षर पटेल और जयदेव उनादकट रहेंगे। यह वही टीम है जो पहले 2 टेस्ट मैच के लिए चुनी गई थी। हालांकि एक बदलाव जो देखने को मिल रहा है वह यह है कि राहुल के नाम के आगे उपकप्तान लिखा हुआ हट गया है। दोस्तों, ईशान किशन और KL राहुल के रूप में टीम इंडिया के पास 2 विकेट कीपर होंगे। दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SS20 क्रिकेट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।